नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब घर और परिवार खुशी से पागल होंगे। दोस्तों अगले 22 दिनों के अंदर चुंबक की तरह खींचे चले आएगी यह देवी महिला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपके पिछले समय के तमाम मेहनत का फल अब आपको अगले 22 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यह देवी महिला आपको राजा बनाकर रख देगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपके पिछले समय के जो भी फल है यश में आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस देवी महिला के आपके जन्म में आ जाने से आपका जीवन बिल्कुल ही बदलने वाले होंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर आपने पिछले जीवन में इतने सारे अगर मेहनत किए हैं तो दोस्तों थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को भी शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगले 22 दिनों के अंदर जो आपकी 7 घटनाएं होने वाली हैं बहुत ही चमत्कारी घटनाएं होने वाली हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अगले 22 दिनों के अंदर आपके साथ जो घटनाएं होंगी इनके साथ आपको कौन से मेहनत का फल मिलेगा, साथ ही यह देवी महिला आपको किस क्षेत्र में मिलने वाले हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, साथ ही इनके आ जाने से आपके जीवन काल में क्या क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों को करने में व्यतीत करें, इससे आप अपने आप को दोबारा फ्रेश महसूस करेंगे तथा अपने दिनचर्या संबंधी कार्यों में पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान भी लगा पाएंगे। दोस्तों विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। इसको प्राप्त दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों ड्राइव करते समय ट्रैफिक नियमों का पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही की वजह से किसी कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। दोस्तों कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी आप अवश्य हासिल कर लें। इसको प्राप्त दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों जितनी चालाकी से आप अपना काम कर रहे हैं उसका असर आप पर नकारात्मक तरीके से हो रहा है दोस्तों, जो कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों निजी भविष्य में कोई बड़ा नुकसान इनसे आपका हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये जो समय है किसी के साथ भी व्यवहार करते समय सच का साथ देकर काम करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझने के लिए जो भी प्रयास किए हैं उनकी वजह से आपके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। दोस्तों दूसरों की दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना आपका विशेष गुण रहेगा। परिवार और समाज में आपकी छवि इसमें उत्तम बन रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से संबंधित लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उसे स्थगित रखना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपके आसपास की ऊर्जा को बदलने की सख्त आवश्यकता होगी, जिसके लिए घर को साफ करते रहें। और दोस्तों जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप काफ़ी दिनों से नहीं किए हैं ऐसी चीज़ों का आप दान कर दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में विचारों में क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए एक वक्त पर एक ही काम को पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों घर में नैतिक रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान पर घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। दोस्तों किसी विशेष मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है, युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का हल मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में बच्चों पर कठोर नियंत्रण न रखकर नम्र व्यवहार करें, इससे वे आसानी से अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर पाएंगे। दोस्तों आपकी ईगो या फिर गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त इसमें हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी एक विषय के बारे में आपको अधिक चिंता यश में रह सकती है, उसी विषय के बारे में मार्गदर्शन न मिल पाना या फिर आपकी समस्या का हल न मिल पाने की वजह से आपकी चिंता इसमें बढ़ रही है। दोस्तों हम निजी चीज के पीछे जितना भागते हैं उतना ही वह चीज दूर चली जाती है, इसलिए दोस्तों अपने अंदर सकारात्मकता बनाकर वातावरण की स्थिति में चल रही बातों का आनंद लें।
दोस्तों वक्त आने पर आपको समस्या का हल भी मिल जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिस्थितियां आपके लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ भी उत्पन्न कर रही है। अगर कोई कोर्ट के संबंधी मसला चल रहा है तो दोस्तों यश में उनका फैसला आपके हक में हो सकता है। दोस्तों किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा आपको कोई उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आय के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी। अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। अपनी किसी भी योजना को किसी के साथ शेयर ना करें, अन्यथा आपको ही हानि का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों युवा वर्ग घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करके अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें और फिर अपने करियर और फिर पढ़ाई पर फोकस करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको बना दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपका ध्यान परिवार पर अधिक बढ़ेगा। परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करने के प्रयत्न आपके द्वारा किए जा सकते हैं। दोस्तों पैसे संबंधित तकलीफें भी यश में दूर होंगी, लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुसार पैसा न मिलने की वजह से पैसे संबंधित थोड़ी सी नाराजगी भी यश में बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मार्केटिंग संबंधी कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने पेपर्स को सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों यह समय किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की लापरवाही से कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है, इसलिए दोस्तों बेहतर होगा कि अधिकतम निर्णय आप स्वयं ही लें, अपने देख रेख में ही ऑर्डर तैयार करवाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों की जो है ऑफिस के मित्रों के साथ गेट टुगेदर रखने की योजना भी बनेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से जो भी धन संबंधी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, दोस्तों प्रोडक्शन के कार्य रुके हुए थे, यश में उनमें पुनः गति आएगी, आर्थिक स्थिति यश में सुदृढ़ रहेगी। दोस्तों नौकरी पेशे व्यक्तियों को भी अपने ऑफिशियल कार्यों के प्रति ज्यादा ध्यान देने की यश में आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी किसी भी कार्य में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक होगा। दोस्तों थोड़ी सी गलतफहमी संबंधों को खराब कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों अपनी थकान और फिर तनाव को दूर करने के लिए पारिवारिक लोग आपकी जरूरतों को पूरा ध्यान में रखेंगे तथा आपसे संबंध भी यश में खुशनुमा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के आपसी संबंध यश में मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी और अधिक नैतिकता बढ़ेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे, आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में सुखमय रहेगा, प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। दोस्तों यश में लापरवाही ना बरतें और उचित समय पर इलाज करवाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, श्वास के लिए या फिर कंधों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है, यश में एक्सरसाइज और फिर योगा पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, सिर दर्द व फिर मानसिक थकान रहेगी, अत्यधिक सोच विचार में समय व्यतीत ना करें तथा कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, मौसम में बदलाव की वजह से जोड़ों व फिर घुटनों में दर्द की समस्या रहेगी, यश में गैस व फिर बादी वाली चीजों का सेवन करने से परहेज करें, ये आपके स्वास्थ्य आपके हेल्थ के लिए बेहतर होंगे।